मनी मंत्र हमारे बेहतर कल के लिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ब्रेक के बाद। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपने अभी जो बताया वो एक मानसिकता का भाग है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल प्लान करते हैं तो किस थॉट प्रोसेस का आप ध्यान रखते हैं? मेरा एक दुख है कि जितना समय हम लोग हमारे पैसे को कमाने के लिए लगाते हैं उससे बहुत कम समय हम लोग हमारे पैसे को मैनेजमेंट करने के लिए दे पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे पास समय की कमी होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि थोड़ा समय हमारी सेविंग्स को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर अगर हम लोग देंगे तो कहीं ना कहीं उन सेविंग्स को एक नया आयाम, नया डायरेक्शन पक्का मिलेगा। पैसा नॉर्मली आने के पहले उसके जाने के रास्ते तय हो जाते हैं, बिकॉज ऑन द कंट्री पैसा अगर 4 लेन से आ रहा है तो उसके 8 लेन जाने के तैयार रहते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन चाहूँगा कि हम लोग ये प्लान करें कि 8 रास्तों से मेरे पास पैसा आए और 4 रास्तों से जाए, सो तब जो है हमको कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंसेस, हमारे वेल्थ जो है उसको मैनेज करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। सर, आगे मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से लाइफ साइकिल एक्सेस है जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? मैं वापस एक दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की तरफ, इंडिया की प्रॉब्लम्स की तरफ आना चाहूँगा। एक इज़ चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग जी, एंड सेकेंड इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग। आफ्टर 2004 बेसिकली गवर्नमेंट ने भी पेंशन बंद कर दिया है, और बीइंग अ फाइनेंस मैन एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क जो हर एक का रहता है वो रहता है रिस्क। सो आफ्टर 60 या 65 हम लोग वैसे भी कमा भी नहीं पाते, और हमारा जो कमाई कमाने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती कम हो जाता है, एंड नाउ इन दीज डेज और कम हो गया है। एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइल्ड एजुकेशन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेर इन वी ऑल हैव टू लुक इन टू इन अ वेरी सीरियस मैनर। पिछले 10 सालों में स्कूलों का एजुकेशन कॉस्ट 150% बढ़ा हुआ है। पिछले 5 सालों में जनरल एजुकेशन पे प्राइवेट खर्चा 275% तक बढ़ा हुआ है। देश के टॉप 5 IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स में उसकी फ़ीस जो है वो 242% तक बढ़ी हुई है, और साधारण महंगाई की अपेक्षा स्कूल और ट्यूशन की फ़ीस पिछले 5 सालों में असाधारण तरीके से बढ़ती हुई देखी गई है। जी जी, बिल्कुल। मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा जहाँ पे आपने जो कर्जा लिया उसका EMI कितना है, और आपने जो एक SIP एजुकेशन के लिए किया उसका EMI कितना है। जी, तो ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर मैं सेविंग के माध्यम से अगर मेरी एजुकेशन को प्लान करता हूँ तो मेरा बहुत सारा पैसा बचता है, और अगर मैं उसको कर्जा लेने के माध्यम से करता हूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा मेरे अकाउंट से शेल आउट करना होता है। सो दैट इज़ द रीज़न बेसिकली आई एम मोर कंसर्न अबाउट द एजुकेशन प्लानिंग इन इंडिया। सर, जैसे कि आपने चाइल्ड एडुकेशन के बारे में बात कही है, और ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इसके बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं भी इसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगी। मैम, चाइल्ड एजुकेशन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन देना चाहता है, और एजुकेशन की कॉस्ट आप देखेंगे कि जो स्कूल की फ़ीस का स्ट्रक्चर होता है, जब आप उसका स्टेटमेंट घर पे आता है, फीस कार्ड आता है, तो उस पर नीचे में एक टैगलाइन लिखी होती है, 10% इंक्रीज और 15% इंक्रीज। बिल्कुल। अब ये 10% इंक्रीज अगर आप ईयरली देखते हैं तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर उसको आप अगर 10 साल के होराइजन से देखेंगे तो यू विल गोइंग टू फाइंड कि अभी आप जो 15,000 या 20,000 की स्कूल की फीस दे रहे हैं वो 10वें साल में जाके 1.5-2 लाख रुपए हो जाएगी। yes. और सैलरी का अगर ग्राफ देखते हैं तो वो उस लेवल से नहीं बढ़ता है। यस yes. आजकल के माँ बाप, मतलब हम लोग बच्चों को सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं रखना चाहते। वी वॉन्ट डेट कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी काफ़ी अच्छा करें। अब स्पोर्ट्स की अगर कॉस्ट देखेंगे तो वो भी काफ़ी हेवी है। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि बहुत छोटे छोटे, जैसे हम लोग पुराने ज़माने में स्पोर्ट्स कुछ होता नहीं था और बहुत सस्ते में काम हो जाता था। अभी अगर आप देखेंगे, अगर बच्चों को टेनिस क्लास में डालना है तो उसको रैकेट एक 10,000 के नीचे नहीं आता है। अगर बच्चा आपका रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो उसके, आप अगर 3,000 के शूज़ लेते हैं तो 2 महीने में 3 महीने में फट जाते हैं, बिकॉज वो प्रैक्टिस उतनी करता है। सो देर इज़ ह्यूज कॉस्ट फॉर एवरी डिफरेंट स्टफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप नहीं जाएंगे कि वो ऐसी छोटी मोटी किसी एकेडमी पढ़े, ये नहीं जाएंगे। अगर आप उसको भेजना है, उसमें अगर टैलेंट है, तो आप चाहेंगे कि आपका बच्चा किसी बहुत अच्छी एकेडमी में जाए। अब उस एकेडमी का अगर कॉस्ट देखेंगे तो अगेन एक्सेलेशन से। सो इन सारी चीज़ों के लिए अगर हमको आज से प्लानिंग करनी है, अगर उसको हमको प्रिपेयर्ड रहना है, तो हमको कहीं ना कहीं चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग या उसकी चाइल्ड एक्टिविटी प्लानिंग जो है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बेस्ट ऑफ द एकेडमीज में जाए?
डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द कॉलेज में जाए डेफिनेटली बिल्कुल तो पैसा इन चीज़ों के लिए कहीं प्रॉब्लम ना बन जाए बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसके अलावा भी भारत में आप देखेंगे कि लाखों होनहार बच्चे हमेशा पैसे का शिकार बने हैं मतलब उनमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम उन्होंने वो अच्छा नहीं किया सो दैट्स द रीज़न ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको पहले दिन से प्लान करने की बहुत ज़रूरत है सर ये बात बिल्कुल सही कही आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सचमुच बहुत से होनहार बच्चे जो है अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते या आगे नहीं बढ़ पाते हैं आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो सिस्टमैटिक प्लानिंग जो है आप करते हैं उसका चाइल्ड एजुकेशन में कैसे हेल्प होता है एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है जी पुराने ज़माने में हमने देखा था कि हमारे माँ बाप हमारे लिए RD करके रखा करते थे या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखा करते थे और वो पैसा कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन की कॉस्ट को एड्रेस कर लिया करता था बिकॉज तब एजुकेशन की कॉस्ट और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट उसमें एक्सेलेशन से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था अगर 8% से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5-6% से एजुकेशन की कॉस्ट एक्सेलेट होती थी तो उसको एडजस्ट कर लेते अभी प्रॉब्लम क्या है अभी प्रॉब्लम है कि 8% का डिपॉजिट आता है और 15% की एक्सेलेशन एजुकेशन कॉस्ट है सो उसके वजह से इवन अगर वो डिपॉजिट बना के भी रखते हैं तो भी उस एजुकेशन की कॉस्ट को एड्रेस नहीं करता है फर्स्ट सेकंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये हर महीना आपके पैसे को एवरेजिंग करवाता है और कंपाउंडिंग करवाता है सो एवरेजिंग कैसे करवाता है कि आप अगर हर महीना पैसा भर रहे हो तो हर लेवल पर वो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है और कंपाउंडिंग ऐसा होता है कि हर साल उसके ऊपर अगर 15% का मुझे इंटरेस्ट एवरेज मिल रहा है तो उसको वो कंपाउंडिंग करवाता है जी सो ये स्लाइड के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आप अगर देखेंगे कि पहले साल अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 26% टाइम्स समहाउ आपका इन्वेस्टमेंट ये निगेटिव गया है बट अगर आपने 5 साल के लिए किया तो वो सिर्फ 10% टाइम्स ही निगेटिव गया है लेकिन अगर आपने 10 साल के लिए किया है तो कभी भी निगेटिव नहीं गया और आपको 17% के रिटर्न्स मिले हैं अच्छा। और उसमें ही अगर आपने 15 साल के लिए किया है तो इट नेवर बी अ निगेटिव एट द सेम टाइम यू गेट 15% रिटर्न ऑल्सो सो एक कंपाउंडिंग और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में काम करते हैं जो आपके पैसों को लाखों से करोड़ों में तब्दील करते हैं एक और बहुत कॉमन प्रैक्टिस हमने देखी है कि बच्चों के जन्मदिन पर हम लोग गोल्ड का एक कॉइन या गोल्ड का बीज हम लोग खरीद लेते हैं बट अभी लोगों ने ये भी देखा है कि गोल्ड 34 से 25 पे आ गया है सो अभी ऐसा कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड रहा नहीं है हर चीज़ फ्लेक्चुअल है ये लोगों को समझ में आया है सो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि अब की बार जब भी आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो एक म्यूचुअल फंड उसके लिए खरीद लीजिए जी जी बिल्कुल दोस्तों यहाँ वक्त चला है ब्रेक का आप कहीं मत जाइए देखते रहिए आवाज़ इंडिया हम लौटते हैं बस थोड़ी देर में सर आगे मैं जानना चाहूँगी जैसे आपने चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के बारे में डिटेल जानकारी तो दे दी लेकिन उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग का तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट और वाइटल एरिया है हर एक के जीवन का और समहाउ अपने देश में इसके बारे में ना ही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है तो मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर रिगरस काम होना बहुत ज़रूरी है